अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज तुम्हारे साथ हम भी भगवान को जगाना चाहते, उनके रहते हुए हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं हो सकता। यही तो हमारे विश्वास की परीक्षा है माँ। अब बर्दाश्त नहीं होता हमसे ये परीक्षा। 6 दिन हमारे दिल में यही विश्वास था कि तुम हर परिस्थिति से लड़कर फरदान के सामने सच्चाई ले आओगी, लेकिन आज तुम्हारा और वरदान का रिश्ता टूटने वाला है और हमारा बेटा ऐसी औरत से अपना रिश्ता जोड़ने वाला है जिसे हम कभी भी बहू के रूप में नहीं स्वीकार कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा माँ, आपने 6 दिन इंतजार किया है ना, तो कुछ देर और सही। राम जी सच्चाई की हार कभी नहीं होने देंगे। भाभी 2 मिनट चलिए ना, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो अकेदगी से अकेले में करनी है? वो माँ कुछ नहीं, चले ना भाभी। रूबी ये अभिनव बिना किसी काम का ही नहीं है, पता ही नहीं लगा पा रहे कि गौरव की फ्लाइट कब है क्या है। ये रूबी गेंद को ऐसे खींचते हुए क्यों लेकर जा रही है? जरूर इसे कुछ पता चला है। रूबी क्या हुआ? गौरव का मैसेज आया था, भाभी वो इंडिया लैंड कर चुके और कुछ ही देर में अपने माँ बाप के साथ यहाँ आने वाला है, शादी की तारीख पक्की कर ले। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा रूबी, हमने कहा था ना राम जी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। हाँ भाभी, अब आपको ये झूठा इल्जाम अपने सर लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अभी हम चलकर माँ और भैया को सब कुछ सच सच बता देते और इस सगाई को होने से रोक देते। चलिए। नहीं रूबी, भाभी रूबी अगर माँ और वरदान जी को पता चलेगा कि तुम शादी के पहले माँ बनने वाली हो तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और जब तक गौरव सबके सामने तुम्हें अपना ना ले तब तक हम ये सच्चाई किसी को नहीं बता सकते। तुम बस जल्दी से गौरव को यहाँ बुला लो। अब सब कुछ गौरव के समय पर आने पर निर्भर करता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह गौरव को यहाँ आने से रोकना होगा। अगर गौरव यहाँ आ गया तो मेरे सारे किए कराए पे पानी पड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आज तो एक भी उंगली टूटी नहीं रही है। ठीक से करो। हाँ, अंगूठी रखने का सजावट सही है क्या? हमें क्या पता, जिसकी सगाई है उसी से पूछो। तुम कब तक ऐसे मुंह फुका के बैठी रहोगी? अब तुम ये बात मान लो कि कालंदी हमारी लल्ला की पसंद है, और जितनी जल्दी तुम ये बात को स्वीकार कर लोगी ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे हमारे तो समझ में ये नहीं आता है कि इतना बड़ा पाप करने के बाद भी तुम बहुरिया से इतनी हमदर्दी क्यों रखती हो? क्योंकि हम जानते हैं अम्मा कि केतकी कभी भी ऐसा पाप कर ही नहीं सकती। जैसे राम,
वरदान जी आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए ताकि मैं आपकी तलाक की अर्जी कोर्ट में दर्ज कर पाऊं। बड़ा फैसला लेने जा रहे हो बेटा, एक बार फिर से सोच लो। कुछ नहीं तो कम से कम अपनी बच्ची के बारे में सोच लो। तुम दोनों अलग हो जाओगे लेकिन उस नन्ही सी जान को कैसे बांटोगे? मेरी बच्ची का कोई भी हिस्सा केतकी को नहीं मिलेगा। मिट्टी को ऐसे धोखेबाज मां की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी कालिंदी घर की बहू बनना सीख चुकी है, धीरे धीरे मिट्टी की माँ बनना भी सीख जाएगी। किसी के कुछ भी कहने से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। गौरव के आने में तो अभी समय है और सबके सामने इस कागज पर साइन ना करने के लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है। अब बस इस भरोसे पर साइन कर रहे हैं कि एक कागज वरदान जी और हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वकील साहब, ये फाइनल डिवोर्स कब तक हो जाएगा? अभी तो सिर्फ डिवोर्स एप्लीकेशन है, ये फास्ट ट्रैक केस है, फिर भी कानून इनको 6 महीने का टाइम देती है। अगर 6 महीने में इनका फैसला नहीं बदलता है तो इनके तलाक पे तब जाके फाइनल मोहर लगेगी। हमारी सगाई पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? सगाई का कानून की नजर में कोई वैल्यू है नहीं, और वैसे भी ये फैमिली के बीच में हो रही है तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। जय श्री राम।
की बधाइयां नहीं दोगी मुझे? अरे आप सगाई है मेरी। हमें पता है तुम जीत के बहुत करीब हो, लेकिन जीतोगी नहीं। और हाँ, अगर तुम्हारी सगाई वरदान जी से हो गई तो हम बधाई जरूर देंगे। एक मिनट, अगर हो गई का क्या मतलब? तुम्हें अभी भी लग रहा है कि वरदान अपना फैसला बदल लेगा? वरदान जी अपना फैसला बदले ना बदले, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि समय बदलने में सिर्फ एक क्षण लगता है। और हम तो तुम्हें यही सुझाव देंगे कि जब तक वरदान जी के नाम की अंगूठी तुम्हारी उंगली में नहीं आ जाती, ज्यादा खुश मत होना, वरना बाद में बहुत जोर से दिल टूटेगा। यही सोच रही हो ना कि गौरव के यहाँ आने के बाद सब मामला सुलझ जाएगा और तुम्हें वरदान से अलग होने की जरूरत नहीं पड़ेगी? लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो केतकी, कि हमेशा दो कदम आगे रहने की मेरी पुरानी आदत है। आज ना गौरव इस घर में आएगा और ना ही वरदान अपना फैसला बदलेगा। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।